अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम बना रहे हैं बिरयानी मज़े मज़े की। और सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया थे, पहले मैंने पोटैटो फ्राई कर लिए हैं, उसके बाद मैंने चिकन में साल्ट और रेड पेपर ऐड करके इसको भी फ्राई कर लिया है। अभी थोड़े होल स्पाइसेस ऐड किए हैं और इसमें ओनियन ऐड कर दिया है। अभी ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 3 ग्रीन चिली है, उसे तकरीबन 3-4 मिनट फ्राई किया है। उसके बाद हमने डोल दी है अपनी चिकन और इसमें हमने काटा मार के टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। और इसमें ऐड किए हमने 2 टेबलस्पून योगर्ट और बिरयानी मसाला, और कोई मसाला ऐड नहीं किया, पूरा पैकेट बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने फ्रोज़न वेजिटेबल ऐड की हैं और इसे अच्छी तरह से 15-17 मिनट तक भून लिया था। अभी इसकी तेल लगा लेंगे, देखिए कितनी झटपट बिरयानी बन गई है। धनिया, पुदीना, पोटैटो जो फ्राई किए हुए थे, और लेमन ऐड कर देंगे, ज़रदा कलर ऐड कर देंगे और इसको कवर करके दम लगा लेंगे 15 मिनट। और ये हमारी मज़ेदार बिरयानी यहाँ रेडी थी और बच्चे अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। देखिए कितना मज़ेदार बिरयानी बनी थी। रेहम आपको पसंद आई थी? बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चों की फेवरेट है बिरयानी। और यहाँ पे हम शाशलिक बना रहे हैं और यमी यमी शाशलिक के लिए हमने चिकन बोनलेस ली है। ये हमारे पास है गार्लिक है, गार्लिक के क्लोव्स है छोटे छोटे कट किए हुए। 1 टीस्पून हमारे साल्ट था, 1 टीस्पून हमारे पास था काली मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली और 1 टेबलस्पून हमारे पास चीनी थी और थोड़ा सा गार्लिक है। और इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा सिरका और 1 टेबलस्पून जाएगा सोया सॉस। बस इसकी ये मैरिनेशन है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैंने मसाले डाले थे। तो अभी हम इसे भून लेंगे बोटियों को। जब तक हमारी बोटियाँ फ्राई हो रही हैं तब तक हम ये बैंगन वाले बेसन लगा के बना रहे थे, बैंगनों को बेसन लगा के। और इसमें नमक, मिर्च आप डाल दें, गर्म चाट मसाला ऐड कर दें, रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, गर्म मसाला ऐड कर दें और इस तरह इसका पेस्ट बना लें। तो ये शाशली के लिए वेजिटेबल कट कर रही थी, इसमें जाएगी ओनियन, बेल पेपर और टमाटर। बेल पेपर आपको अगर 3 किस्म के वो डाल दें, ये सिर्फ कलर के लिए, वैसे टेस्ट तो सेम ही होता है बेल पेपर का। दूसरी साइड पे मैं शकरकंदी जो है वो फ्राई कर रही थी। यहाँ पे चिकन भूनने हो चुकी है और अभी हमने इस वेजिटेबल ऐड किए हैं और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे। इसको तकरीबन 2 मिनट तक ही हमने फ्राई करना है वेजिटेबल को, क्योंकि इसका क्रंच जो है बरकरार रहे। यहाँ 2 टमाटर लिए हैं मैंने, उसका पानी थोड़ा ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए झटपट हमारा जो है टमाटर पेस्ट रेडी हो चुका है। तो पहले हमने टमाटर पेस्ट ऐड किया है, देखें ये शकरकंदी रेडी हो चुकी है, इसका शाशलिक में कोई काम नहीं है, ये वैसे मैंने आपको दिखाई है। अभी हमने इसमें 2 टेबलस्पून केचप डाल दें, 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून अभी इसमें सिरका ऐड कर दें और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर दें, और ब्लैक पेपर और साल्ट वगैरह ऐड करके इसे मिक्स कर लें और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स ऐड करें। तो ये शाशलिक का मसाला रेडी हो जाता है। इसे 7-8 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये ठीक भी हो जाए। ये मैंने तकरीबन 1/2 कप में एक डाला है, इसमें 2 डाले हैं मैंने जो चिकन क्यूब हैं, और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। इस सबको मिक्स कर लेंगे, ये चिकन स्टॉक बन गया हमारा, और साथ ही ये जो कॉर्नफ्लोर डाला है वो इसको ठीक करेगा और हमारी जल्दी जो है वो ठीक हो जाएगा शाशलिक का जो मसाला है। ग्रेवी मसाले जो रेडी हो चुकी है हमारी शाशले की, और इसमें शाशले की हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, चिकन और वेजिटेबल, और इसे 2-3 मिनट तक सिमर करेंगे और ये रेडी है हमारा शाशलिक। वाइट राइस के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है इसके साथ। यहाँ पे ब्रिंजल है जो कि मेरे घर में किसी को पसंद नहीं, लेकिन इस तरीके से बनाने से सब ने मेरे घर में खाया था। वेजिटेबल मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन इस वेजिटेबल को इस तरह बनाने से बहुत ही मज़े की बनी थी। इस फ्राई पैन का ये सहूलत है, ये स्टीम भी करता है। मैंने पहले फ्राई करके इसको कवर कर दिया था और तकरीबन 3-4 मिनट से स्टीम किया था, तो बहुत ही सॉफ्ट वाले ये ब्रिंजल रेडी हो गए थे और बहुत ही यम्मी बने थे। यहाँ मैंने ग्रिल को मसाला लगा दिया था, जो मसाले दही में आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, नमक, मिर्च, चाट मसाला थोड़ा डाल लें, गर्म मसाला डाल लें, और थोड़ा ज़रदा कलर डाल के मैंने दही थोड़ा डाला था, लेमन जूस डाला था। और ये हमारा इस तरह चिकन रेडी हो रहा है, इसे उलट पलट लें, तकरीबन इसे 12-14 मिनट लगेंगे, चिकन रेडी हो जाएगा। ये मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि इसमें स्टीम बने और ये थोड़ा गल भी जाए।
यहाँ पे देखें हमारा शाशलिक भी रेडी है, चिकन ब्रोस्ट भी रेडी है, और इसके बाद सब चीज़ें रेडी हैं। ये है शकरकंदी, बच्चों को आप दिया करें, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये ब्रिंजल, इस तरह बच्चों को सब्जियां देने से बच्चे खाएंगे भी, और वाइट राइस के साथ। तो ये है हमारा आज का डिनर। यहाँ मैं सुबह रेड तैयारी कर रही थी अभी हस्बैंड के लंच की, तो ये बोनलेस चिकन लिया मैंने, उसे छोटे छोटे कट कर लेंगे, और इसमें योगर्ट ऐड किया है, और मसाले जो ऐड करते हैं नमक मिर्च डाल लें, सारा कुछ डाल लें। ये पिज़्ज़ा फ्राइज आज मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए, ये फ्राइज जो है पहले निकाल लें और फिर चिकन इसमें ऐड कर दें, और चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक चिकन फ्राई हो रही है हम इसमें वेजिटेबल ऐड कर देंगे, ओनियन जाएगा, गार्लिक जाएगा, ये हम सॉस बना रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। गार्लिक और ओनियन हमने कट कर लिया है, ये देखें गार्लिक और ओनियन थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में ऐड करके इसे अच्छी तरह फ्राई कर लें। ये देखें अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है, इसमें टमाटर एक ऐड कर दें और इसे कमा फरा लें। कमाने फराने के बाद इसको ग्राइंड कर लें। ये देखें जी हमारा प्यारा सा पेस्ट जो है ग्राइंड होके आ गया है। इसमें आप केचप डालें, चिल्ली गार्लिक सॉस डालें, और थोड़ा सा ओरिगैनो डाल दें, और दड़की मिर्च मैंने ऐड की थी, और थोड़ा सा साल्ट ऐड कर लें। इस तरह हमारा थिक सा सॉस जो है वो 5-7 मिनट तक रेडी हो जाएगा। यहाँ मैं फ्राइज़ भी हमारे रेडी थे, वेजिटेबल भी रेडी थी, और ये पहले हम फ्राइज़ के ऊपर सॉस ऐड करेंगे, ये पिज़्ज़ा सॉस है। सबसे पहले जाएगा पिज़्ज़ा सॉस, देखें इसके ऊपर हमने चिकन ऐड कर दी, और रॉ वेजिटेबल्स ऐड कर दें, इसमें कॉर्न भी ऐड की है, मेरे बच्चों को कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है, उस पर चाट मसाला और साल्ट लगा के खाते हैं तो बहुत ही यम्मी लगता है। देखें फिर इसके ऊपर सॉस ऐड की है, और स्लाइस चीज़ लगा दी है। अभी इसे माइक्रो में हम थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे तो हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, मैंने ओनियन में मशरूम ऐड किए, इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 3-4 मिनट तक फ्राई हो गए थे, इसके ऊपर अंडा ऐड करने, 3 अंडे मैंने डाल दिए। ये हस्बैंड का और मेरा लंच रेडी हो रहा था, पहले हस्बैंड का मैं बना रही हूँ। साल्ट और मैंने रेड चिली ऐड किए, और इसमें अपनी मनपसंद ये पालक है, छोटा छोटा कट कर मैंने डाला है, ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिए, और हुबस है, तोतिया ब्रेड है, जो भी है वो उसके ऊपर ऐड कर दें, और इसे फ्लिप कर लें, देखें किस तरह मज़ेदार। यहाँ इसमें हुबस में से एक काटा मार लें, काटा मारने के बाद हमने एक ब्रेड बना लिया है। हाँ जी, ये काटा मारने के बाद हमारा ये ट्रायंगल शेप का ब्रेड बन गया है, और यमी यमी हमारा नाश्ता है। इसके ऊपर आप हनी भी ऐड करके डालें, खाएं, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे पिज़्ज़ा फ्राइज भी रेडी हो चुके हैं, यमी पिज़्ज़ा फ्राइज बने हैं, और मेरे बच्चों के ये फेवरेट हैं, आपको पता है बच्चे पिज़्ज़ा ये वो चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, अल्लाह हाफिज़।